आज आपसे प्रोस्टेट ग्रंथि के कैंसर के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ। प्रोस्टेट ये पुरुषों में पाए जाने वाली एक सामान्य ग्रंथि है जो कि उम्र के हिसाब से धीरे धीरे वो बढ़ती रहती है। और कभी कभी आपने देखा होगा कि व्यक्ति ये सोचता है कि ये तो केवल सामान्य मेरे प्रोस्टेट बढ़ गई है, उसके कारण से मेरे को पेशाब में तकलीफ हो रही है। पेशाब बार बार आना, रुक रुक कर आना, पेशाब में जलन होना, रात को बार बार पेशाब के लिए उठना, ऐसे समय में जब ये बात होती है तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। आप कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट से मिलिए और उससे आप अपनी प्रोस्टेट की जाँच कराइए। जब वो प्रोस्टेट की जांच करते हैं तो किसी किसी व्यक्ति में हमें इसके प्रोस्टेट के कैंसर के लक्षण दिखने लगते हैं। जब प्रोस्टेट के कैंसर के लक्षण इसमें आते हैं तो ये अन्य और प्रकार के जो शरीर के कैंसर होते हैं उस कैंसर से तो प्रोस्टेट का कैंसर बहुत ही, आप यूं कह लीजिए कि ये बहुत पीड़ा पहुँचाने वाला नहीं होता है। इसका पूरा उपचार संभव है। इसलिए जो ही आपके अगर प्रोस्टेट ग्रंथि का आपके अगर ये कैंसर आता है, मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूँ कि आप बिल्कुल ना घबराएं, तुरंत आप कैंसर रोग विशेषज्ञ से मिलें। उसमें वो आपको विभिन्न प्रकार के उपचार बताएगा, उसमें आपको हो सकता है सर्जरी बताई जाए। चूँकि ये हार्मोन से डिपेंडेंट ग्रंथि है इसलिए कुछ हार्मोन के ट्रीटमेंट भी चल सकते हैं। और एक मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें रेडियोथेरेपी के कारण से बहुत अच्छा उपचार होता है। आजकल जो SBRT जिसको हम बोलते हैं, जो नई से नई टेक्निक है, स्टीरियोटैक्टिक बॉडी रेडियोथेरेपी, अगर हम उससे प्रोस्टेट के हम 5 से 7 या मैक्सिमम 10 सिटिंग के अंदर ही पूरा रेडियोथेरेपी देके प्रोस्टेट कैंसर का उपचार किया जा सकता है। उसके अलावा कुछ आपको दवाइयों की हार्मोन ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है, वो आप हमारे जो कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं वो आपको इसके बारे में और आगे समझा सकते हैं। पर प्रोस्टेट का कैंसर ऐसा है, अगर जो मेरे प्रारंभिक अवस्था में पता लग जाता है तो आपको इससे बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। साधारणतः प्रोस्टेट कैंसर अगर बाद में आता है तो रोगी खून यूरिन में ब्लड आने लगता है, या उसके कई बार ये होता है कि इसकी सबसे कॉमन जो साइट होती है वो हड्डियों में जाता है, बैकबोन में चला जाता है, रीढ़ की हड्डी में जैसे गया, उसके टांगों की हड्डी में गया, तो वहाँ पर उसके दर्द चालू हो जाते हैं। हम नहीं चाहते कि आप उस स्टेज तक हमारे पास आए, तब इसको ठीक करना थोड़ा मुश्किल होता है। आपके उम्र के हिसाब से जो ही आपको पेशाब के अंदर कोई भी आपकी आदतों में परिवर्तन आए, तुरंत आप अपने डॉक्टर से मिलिए, इसका निदान कीजिए, और अगर ये रोग आए बिना घबराए हुए अपने डॉक्टर से आके मिलिए जो कि आपको उपचार बताएगा।